क्या आप अपने जीवन की कल्पना बिना बिजली के कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा नहीं। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी 393 गीगावाट की है। मेरा नाम है जितेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉफिट तक पर। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर और उससे जुड़ी कुछ कंपनीज़ के शेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने लास्ट वन डिकेड में इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में प्रगति करना शुरू कर दिया है और इंडिया आज भी 75% से ज़्यादा बिजली फॉसिल एनर्जी यानी कोयले का यूज़ करके बनाता है और कोयला धरती पर एक लिमिटेड अमाउंट में ही है और ये पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। रिन्यूएबल एनर्जी से पूरे भारत में अभी 21% तक बिजली बनाई जाती है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नंबर हमें फ्यूचर में 100% पर भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट 2029 से 30 तक रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाने के आंकड़े को 60% तक लेके जाना चाहती है, जो कि इस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर, और लोग खुद भी पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव पे शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उनके जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हाल ही में ही मुकेश अंबानी ने अपनी न्यू एनर्जी कंपनी के तहत रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 75,000 करोड़ लगाने की बात कही थी, जो उन्होंने शुरू भी कर दिया है। मगर रिलायंस की ये न्यू एनर्जी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, इसलिए आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडिया की टॉप रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज़ के स्टॉक्स को, शेयर्स को जानने के लिए आज हम टिकट ऐप की एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा और आज की हमारी पहली कंपनी होने वाली है टाटा पावर। तो यहाँ सर्च कर लेना हमें टाटा पावर और ये देखिए कंपनी की प्रोफाइल खुल के आ गई है। कंपनी एक लार्ज कैप की कंपनी है। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी 1911 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। टाटा पावर इंडिया की नंबर वन रूफटॉप सोलर प्रोवाइडर है। रूफटॉप का मतलब होता है घर की छतों पे जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं। टाटा अगले कुछ सालों में 1,00,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, जो कि स्टार्ट भी हो गया है। टाटा पावर अपने थर्मल पावर प्लांट को बंद कर रहा है जहाँ कोयला का यूज़ करके बिजली बनाई जाती थी। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे फोकस कर रहा है। तो चलिए इस कंपनी के पास्ट के रिटर्न को जान लेते हैं। कंपनी ने वन डे में 0.11% के रिटर्न दिए हैं। वहीं बात करें वन वीक की, तो वन वीक में कंपनी ने 12% के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। वहीं वन मंथ में कंपनी ने 18% के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। बात करें वन ईयर की, तो वन ईयर में कंपनी ने 211% के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। फाइव ईयर की बात करें तो 219% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छा है सेक्टर के कंपैरिजन में। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे कंपनी ने 3440% के रिटर्न दिए हैं और कंपनी लिस्ट हुई थी सन 2000 में 7.21 रुपये पे और आज कंपनी का 278 रुपये शेयर प्राइस है। तो चलिए कंपनी की और चीज़ों को जान लेते हैं। अभी कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है और आरओई वर्सेस एफडी रेट अभी सही नहीं है और डिविडेंड रिटर्न कंपनी का सही है और एंट्री पॉइंट अभी सही है, शेयर अपने ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और नो रेड फ्लैग है कंपनी पे अभी, यानी कंपनी ESM या GSM लिस्ट में नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। कंपनी के की मैट्रिक्स को देख लेते हैं, यानी कंपनी अभी 78.70 के पी पे ट्रेड हो रही है और सेक्टर का पी रेशो 33.70 के आसपास है और पीवी रेशो की बात करें तो 3.51 है और सेक्टर का पीवी रेशो 3.73 है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की 0.56% है और सेक्टर की वहीं 1.16% है। फोरकास्ट रेटिंग 36% है इस शेयर को लेके और यहाँ कंपनी की प्रोफाइल देख सकते हैं। और चलिए ये कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं यानी पीयर्स, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ देखिए ये रेड कलर में ये तीन आइकन बन के आ रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट वाले का मतलब लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। जो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है इस कंपनी की उससे इंडस्ट्री से भी कम है। और दूसरे नंबर पर है डिक्रीज मार्केट शेयर, यानी लास्ट फाइव ईयर में इस कंपनी का मार्केट शेयर गिरा है। वो पहले था 43%, जो घट के रह गया अब 38%।
वहीं बात करें थर्ड नंबर पे, तो ये है लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, यानी इंडस्ट्री के नेट इनकम से भी इस कंपनी की नेट इनकम कम है। वहीं बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो 2012 में टोटल रेवेन्यू कंपनी का था 26,444 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़ के हो गया था 34,391 करोड़। वहीं बात करें नेट इनकम की, तो नेट इनकम कंपनी की थी ये 1,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव थी जो कि, और वही फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखते हैं तो ये 1,127 करोड़ पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है। वहीं बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस की, जो 2012 में था नेगेटिव 4.42%, और अब फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो ये 3.82% पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए अब कंपनी की होल्डिंग्स को देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ सी डिटेल होल्डिंग पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे ये देखिए कंपनी के टोटल प्रमोटर होल्डिंग है अराउंड 46.20%, और जिसमें से 0.66% प्लेजेड है, ये पीले कलर में आपको दिख रहा होगा, बिकॉज इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने अपने शेयर प्लेज यानी गिरवी करके लोन लिया है वो इस पीले कलर में दिखता है, जिसको प्लेज बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड के पास 4.48% की होल्डिंग है अभी इस कंपनी में, और वहीं बात करें अदर डीआईज की, तो 11.09% की होल्डिंग है इस कंपनी में। वहीं बात करते हैं अगर एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो वो 10.84% की हिस्सेदारी रखते हैं इस कंपनी में। बात करें रिटेलर्स की यानी हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की, तो वो है 26.73%, यानी 26% के आसपास। और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स इसमें घटाई है, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पहले मार्च फाइनेंशियल वाले ईयर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये था पहले 8.83%, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में घट के रह गया है 4.48%। तो चलिए कंपनी की और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी की न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी आपको, रिसेंट न्यूज़, और उसके सबसे बाद यहाँ नीचे में यहाँ पे कंपनी के कॉरपोरेट एक्शन और डिविडेंड बोनस की न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, कंपनी ने 1.5 रुपये का 1.55 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो कंपनी डिविडेंड अच्छे पे करती है। तो ये तो हुए टाटा पावर की बात, अब चलिए दूसरी कंपनी की ओर नज़र डाल लेते हैं, जो कि है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये भी एक लार्ज कैप की कंपनी है, और ये 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये गौतम अदानी ने फाउंड की थी, और अदानी ग्रुप को बिलोंग करती है। ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पावर प्लांट से भारत में 46 प्रोजेक्ट के अंडर 11 राज्यों में प्लांट चलाते हैं, और इनके रिटर्न्स को एक बार देख लेते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 2321 रुपये पर चल रहा है। वहीं बात करें कंपनी के वन डे रिटर्न की, तो कंपनी ने 7.20% के रिटर्न दिए हैं। ये 7% की जंप इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब की एक कंपनी ने इस कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट करी है, जिसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस इतना गया है। वहीं बात करते हैं 1 वीक के रिटर्न की, तो 1 वीक में कंपनी ने 17.89% के रिटर्न दिए हैं, और वहीं 1 मंथ के चार्ट पे देखें तो कंपनी ने 24.52% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं बात करें 1 ईयर के पैटर्न पे, तो कंपनी ने 113 यानी 113% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और 5 ईयर में तो कंपनी ने 7,270% के रिटर्न दिए हैं, जो आप सोच ही सकते हैं कितने ज़्यादा हैं किसी भी कंपनी के लिए, वो भी कितने साल में। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में, 4 साल से भी कम टाइम में इस कंपनी ने इतने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और कंपनी आरओई एफडी रेट ये सही नहीं है, डिविडेंड भी कंपनी नहीं देती है, और एंट्री पॉइंट अभी सही है, कंपनी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, और कंपनी एएसएम और जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन सिंबल शो हो रहा है। वहीं बात करें की मैट्रिक की, तो कंपनी अपने 1612 यानी इतनी हाई पी पे ट्रेड हो रहा है, जहाँ सेक्टर का पी रेशो 33.69 है, जो हमने टाटा पावर के भी केस में देखा था, वो इससे डबल पे पी पे ट्रेड हो रहा है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और इस कंपनी के पीवी रेशो की बात करें तो 159% है, और सेक्टर का पीवी रेशो 3.73% है, और डिविडेंड तो ये कंपनी कुछ देती नहीं है, तो इस सेक्टर का डिविडेंड आपको पता ही 1.16% है, और यहाँ कंपनी की प्रोफाइल है। और ये कंपनी के कुछ पीयर्स हैं यानी कॉम्पिटिटर, एनएचपीसी, एसजेवीएन लिमिटेड,
जयप्रकाश पावर वेंचर, ऐसी कंपनियां आप इनको देख सकते हैं। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और रिसेंट के क्वार्टर में कंपनी ने कुछ प्रॉफिट भी कमाए हैं। तो चलिए फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं इस कंपनी के। कंपनी 2017 में 581 करोड़ का रेवेन्यू करा था कंपनी ने। वहीं बात करें अब फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो कंपनी ने 3599 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। वहीं नेट इनकम को देख लेते हैं, जो 2017 में नेगेटिव थी -46 करोड़ के आसपास की, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो पॉजिटिव हो गई है 210 करोड़ के साथ। वहीं बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस भी नेगेटिव में था -0.06%, जो अब हो गया है पॉजिटिव में +0.1.34%। चलिए अब कंपनी की होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि कौन इसमें कितना परसेंट स्टेक रखता है। तो यहाँ पे सी डिटेल होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं हमें, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए 61.27% प्रमोटर के पास है, जिसमें से 0.60% शेयर प्लेज किए हैं, यानी कंपनी ने इतने शेयर गिरवी करके किसी से लोन लिया हुआ है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड इसमें ना के बराबर है 0.14%, जो कि समझ सकते हैं आप टाटा पावर में तो फिर भी इससे बेहतर था। वहाँ पहले प्रमोटर 8% के आसपास थे, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन घटा के 4.5% के आसपास लाए थे, यहाँ तो उसके कंपैरिजन में कुछ देखने को नहीं मिलता। वहीं बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस भी यहाँ ना के बराबर है, 0.048% के आसपास है। और बात करें एफआईआईस को, तो ये यहाँ पे 16.59% अपना स्टेक रखते हैं, और इन्हीं इन्वेस्टरों को लेकर ये कंपनी अदानी ग्रीन हमेशा विवादों में खड़ी होती है कि ये इन्वेस्टर कौन है, कहाँ के हैं, कंपनी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और रिटेल एंड अदर्स इन्वेस्टर की बात करें तो ये 21.51% है, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी कंपनी की और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल जाती है आपको, सी ऑल न्यूज़, और इवेंट, यहाँ पे सारे इवेंट देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी, जैसे शुरू में बताया था मैंने, कंपनी कोई डिविडेंड ऑफर नहीं करती, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है अभी। चलिए अब अपनी अगली कंपनी अदानी पावर की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। अदानी पावर भी अदानी ग्रुप की एक कंपनी है, और ये 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विंड पावर, एनर्जी ट्रेडिंग आदि में काम करती है। अदानी पावर कंपनी ने गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब गवर्नमेंट के साथ 9153 मेगावाट का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, यानी इतने इतने वॉट की बिजली ये गवर्नमेंट सारी इनसे, अदानी पावर से खरीदेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी एक लार्ज कैप की कंपनी है, और कंपनी का शेयर 220 रुपये के आसपास चल रहा है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी 5% के लोअर सर्किट पे देखने को मिली थी। वहीं 1 वीक में बात करें तो कंपनी के 6% के रिटर्न है, जो कि सही है। और बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में कंपनी ने 76% के रिटर्न दिए हैं, जो कि लाजवाब, और ये अदानी की कंपनी में ही देखने को मिलता है इतना रिटर्न। वहीं बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर में कंपनी ने 138% यानी 138% के रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर की बात करें तो कंपनी ने 399 यानी 400% के रिटर्न दिए हैं। बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे, तो कंपनी ने 120% के रिटर्न दिए हैं, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कंपनी 2009 में लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में, और आज 220 इसका शेयर प्राइस है। तो चलिए बाकी कंपनी की और चीज़ों को देख लेते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू तो अभी शो नहीं कर रहा है, इनसफिशियंट डाटा है। और वहीं आरओई वर्सेस एफडी रेट भी सही नहीं है, डिविडेंड रिटर्न भी सही नहीं है, कंपनी सही अच्छे डिविडेंड ऑफर नहीं करती है। एंट्री पॉइंट भी अभी सही नहीं है, कंपनी का शेयर ओवरबॉट जोन में है, यानी अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और कंपनी अभी एएसएम लिस्ट में है, इसलिए यहाँ पर रेड सर्कल बना हुआ है। और की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी 70 के पी रेशो पे अभी ट्रेड हो रही है, जहाँ सेक्टर का पी 33.69% है, जो कि डबल के आसपास है। और पीवी रेशो की बात करें तो 6.79% पे ट्रेड हो रहा है, और सेक्टर का पी भी 3.73% है। डिविडेंड यील्ड कंपनी ये कुछ नहीं देती,
डिविडेंड कुछ नहीं देती, तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड शो नहीं हो रहा। वहीं कंपनी क्या प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं आप। और बाकी चीज़ों को बात करें तो यहाँ पे पीयर्स, यहाँ पे NTPC है इसका, यानी कॉम्पिटिटर, JSW एनर्जी, CESE लिमिटेड, ये रिलायंस पावर, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देख लेते हैं एक बार, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यानी इस कंपनी की भी रेवेन्यू ग्रोथ टाटा पावर की तरह है, नेगेटिव है और सेक्टर से कम है। और इस कंपनी का भी मार्केट शेयर गिरा है, यानी पिछले 5 सालों में जहाँ कंपनी का मार्केट शेयर 18.32% था, वो घट के रह गया है 15.74%। और हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, यहाँ पे ये ग्रीन आइकन शो हो रहा है, मतलब ये इंडस्ट्री की नेट इनकम से इस कंपनी की नेट इनकम ज़्यादा है। तो चलिए टोटल रेवेन्यू को देख लेते हैं, जो 2012 में 4242 करोड़ का था, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 28,149 करोड़ का हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है और एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है टोटल रेवेन्यू में। वहीं बात करें नेट इनकम की, तो नेट इनकम नेगेटिव 287 करोड़ की थी फाइनेंशियल ईयर 2012 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़कर 1,269 करोड़ हो गई है। वहीं EPS पे नज़र डालें तो EPS भी नेगेटिव था फाइनेंशियल ईयर 2012 में, -1.32%। अब ये कंपनी का EPS फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3.29% है, जो कि बहुत अच्छा है। चलिए कंपनी की होल्डिंग्स को एक बार देख लेते हैं। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 74.97% होल्डिंग है, और यहाँ पे देखिए प्लेज कितना ज़्यादा है। कंपनी ने शेयर गिरवी करके लोन 20.52% के शेयर अपने गिरवी कर रखे हैं कंपनी के किसी और के पास, जो कि एक गलत चीज़ और गलत सेंटिमेंट को दिखाता है। अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करेगा। और वहीं बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फ़ंड इसमें है ही नहीं, और अदर DIs भी नहीं है, और अगेन फॉरेन इंस्टीट्यूशन 16.56%। तो देख रहे हैं आप, रिटेल एंड अदर्स यानी रिटेलर इन्वेस्टर भी इसमें काफ़ी कम है, 8.47%। तो ये तो होल्डिंग हो गया, और यहाँ न्यूज़ मिल जाएगी आपको। और ये कंपनी भी डिविडेंड ऑफ़र नहीं करती, अदानी की मोस्टली कंपनी डिविडेंड ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है अपने आप को। तो चलिए अपनी चौथी कंपनी, जो कि एक एक्सचेंज है, जी हाँ, उसका नाम है IEX, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये एक पब्लिक कंपनी है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC के द्वारा रेगुलेट करी जाती है, यानी चलाई जाती है। और इसका इस पे पावर एक्सचेंज यानी बिजली की ट्रेडिंग होती है। ये एक्सचेंज इंडिया में पावर ट्रेडिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से। और इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में जाने, और ये देखिए ये पहले कंपनी, ये मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, मॉडरेट रिस्क है इस कंपनी पे। रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 0.96% का रिटर्न दिया है वन डे में। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में कंपनी ने 4.37% यानी 4.5% के आसपास रिटर्न दिया है। बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में कंपनी ने 4.5% के रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर की देखें तो कंपनी ने 114% के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर की बात करें तो कंपनी ने 343% के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। और ये कंपनी 2017 में 52.10 रुपये पे लिस्ट हुई थी, और आज कंपनी का प्राइस 241 रुपये। चलिए कंपनी की और चीज़ों को देख लेते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू देख लीजिए कि करंट प्राइस अभी मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू है, यानी करंट प्राइस अभी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, और ये कंपनी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देती है, तो इसलिए यहाँ सेकंड नंबर पे ग्रीन टिक है। वहीं बात करें डिविडेंड की, तो कंपनी अच्छे डिविडेंड ऑफर नहीं करती, इसलिए ये रेड कलर का सिंबल बना हुआ है। और कंपनी अभी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, इसलिए ये भी ग्रीन है। और 5वें नंबर पे नो रेड फ्लैग, यानी कंपनी ASM और GSM लिस्ट में नहीं है। वहीं पी रेशो की बात करें तो कंपनी का पी रेशो 103 है, जो सेक्टर के पी से 2-3 गुना है। और PV रेशो 38.46%, और डिविडेंड यील्ड है 0.56%, जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड से आधी है, पर अदानी के शेयर्स के कंपैरिजन में सही है। और फोरकास्ट रेटिंग है 41% टिकर टैप के एनालिस्ट के तरफ से। ये रही कंपनी की प्रोफाइल देखने को मिलती है हमें यहाँ। और बात करें तो
और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स ये रहे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, पीटीसी इंडिया, फाइनेंशियल ट्रेंड यानी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दोस्तों मैं बता दूँ इसके शेयर के बारे में, यहाँ पे पावर ट्रेडिंग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पावर प्रोड्यूसर और पावर ट्रेडर करते हैं। और देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और यहाँ पे देखिए हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यानी इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे इंक्रीज शेयर मार्केट, और कंपनी ने पिछले लास्ट 5 ईयर में इसका शेयर मार्केट शेयर 1.45% से बढ़कर 1.9% यानी 2% को होने वाला है। और वहीं बात करें हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, यानी कंपनी की नेट इनकम इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है। तो चलिए कंपनी के एक बार रेवेन्यूज़ को देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2012 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 70.98 करोड़, यानी 71 करोड़ के आसपास। और वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 356% के अच्छे खासे रेवेन्यू के साथ जंप दिखाई है। और वहीं बात करें नेट इनकम की, तो नेट इनकम कंपनी की 2012 में थी 34 करोड़, जो बढ़कर हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 206 करोड़। वहीं कंपनी की ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस कंपनी का था 0.01%, जो अब बढ़कर 2021 में हो गया है 2.30%, जो कि काफ़ी अच्छा है, ये कंपनी के स्ट्रेंथ को दिखाता है। वहीं चलिए कंपनी की होल्डिंग को देख लेते हैं एक बार कि क्या है। ये देखिए डिक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग, यानी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स घटाई है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ने भी अपनी पोजीशन घटाई है इस शेयर में। और टोटल प्रमोटर की बात करें, तो इसमें 0 है प्रमोटर। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 12.5% के आसपास हैं, और DIs 5.30%, यानी 5.5% के आसपास DIs हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं 31% के आसपास, और हमारे जैसे और आप जैसे इन्वेस्टर हैं 51.33%, यानी रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखिए अपनी पोजीशन को 20% से घटाकर 12% ले आए हैं। और वहीं DIs की बात करें, तो DIs के पास 11.50% का स्टेक था, जिन्होंने अपनी पोजीशन घटा के 5.30% तक ले आए हैं। तो चलिए कंपनी की और चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ पे कंपनी की रीसेंट की न्यूज़ मिल जाएगी। और बात करें रीसेंट इवेंट की, तो ये देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ये कंपनी ने पास्ट में जैसे डिविडेंड दिए हैं, 3 फरवरी 2022 को कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। और 2021 में 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, जो कि सही है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि इस सेक्टर को चलाने के लिए एक बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो छोटे प्लेयर्स के लिए ये सेक्टर नहीं है। यहाँ पे टाटा अंबानी और अदानी जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे, और पिछले कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर ने अपने आप को कर्ज में डूबा हुआ पाया है, बिकॉज़ ये सेक्टर अभी अपने एक्सपेंशन मोड पे है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।